नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जैन बी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और एक लाइक कर दें, साथ में एक कमेंट कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी गांव का खतौनी है और उसका रकबा देखना है। रकबा देखने के बाद ये पता लगाना है कि उस गांव में उस खतौनी में कोई विवाद तो नहीं है। इसके लिए हम सीधे आ गए हैं क्रोम में। अब भी आ जाइएगा क्रोम में। क्रोम में आने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा खतौनी, जैसा कि मैं लिख दिया। लिखने के बाद सर्च करिएगा। सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें भूलेख पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज खुलेगा। मुझको सिद्धार्थ नगर जनपद के नावगढ़ तहसील के एक गांव मुकुंदपुरा है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो सिद्धार्थ नगर आ जाइए। हाँ, एक साथी द्वारा पूछा गया है तो मैं उसको बता रहा हूँ। तो आ जाइए सीधे सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर पर क्लिक करिए, नावगढ़ तहसील ले लीजिए और जो भी गांव देखना है आप इस तरफ ये अक्षर वाइज दिया हुआ है, उसका पहला अक्षर उस गांव का इसमें ढूंढ करके क्लिक कर दीजिए। जैसे मुझको माँ वाले गांव को देखना है तो माँ पर क्लिक कर दिया। अब जितने गांव माँ से रहेंगे सब गांव इसमें आ जाएंगे। तो इसमें जो गांव मुझे देखना था उस गांव का नाम था मधुकरपुर तप्पत थरौली, ये गांव मिल गया। हम मधुकरपुर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में जो गाटा आपको ढूंढना उस गाटे को क्लिक कर दीजिए, या मान लिया आपको गाटे से ढूंढना है तो गाटा वाइज यहां दिया है, यहां से क्लिक करेंगे। और मान लिया आपको खाता संख्या से ढूंढना है तो खाता संख्या, खातेदार के नाम से ढूंढना है तो खातेदार के नाम से ढूंढें, और किस दिन खारिज दाखिल हुआ उस नाम से देखना, उस तरह से देखना तो यहाँ से देख सकते हैं। और आपको उससे पहले मान लिया पिछली फसली का देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ फसली चुन सकते हैं। उसके बाद में इसमें गाटा संख्या आप डालेंगे और यहाँ पर खोज पर क्लिक करेंगे, यहाँ उदाहरण दिखेगा आपको। तो जैसे मान लिया फसली चुनना है तो यहाँ वर्तमान फसली देखना है कि इसके पिछले वाले को देखना है, तो हमको मान लिया जिस गाटे को देखना उस गाटे को पहले चयन। हमें गाटा संख्या 147 देखना है तो हम 147 लिख लें इसमें। 147 लिखने के बाद खोजे पर क्लिक कर दें। यहाँ खोजे पर क्लिक कर दीजिए। मैं खोजे पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा ऑप्शन, फिर उद्धरण देखे पर क्लिक करिएगा, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। अब इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको, इसको आपको इस बॉक्स में भर देना है। चलिए मैं इसको इसमें भर देता हूँ। 5 है, कैपिटल बी है, यस है, एफ जे एक्स, इसको भर लीजिएगा। भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद लिख रहा कैप्चा इमेज नॉट मैच, फिर से कैप्चा भरेंगे हम। कैप्चा इमेज नॉट मैच आ गया तो कैप्चा फिर से आपके सामने एक खतौनी एक खुल करके आ गई। अब इसको मैं दिखा दूँ डिटेल में आपको। ये ग्राम का नाम आप देख पा रहे होंगे, मधुकरपुर टप्पा थरौली परगना है, नौगढ़ तहसील भी है नौगढ़, जनपद सिद्धार्थ नगर, फसली वर्ष 1427 से 1432, खाता संख्या इसका दे दिया 203, और ये गाटा संख्या है, ये इसका क्षेत्रफल है, और ये सारे लोगों के नाम हैं यहाँ पर, ये नाम सबका दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको एक खतौनी मिल गई। अब इसमें मान लिया आपको क्रय करना है तो सबसे ज़रूरी है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई विवाद तो नहीं है,
इसमें, तो इसके लिए हम यहाँ पर बने हुए डाटा संख्या पर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा और उस पेज में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है। एक काफ़ी चीज़ें इसमें दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति, भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति, यानी भूखंड घाटे का भू नक्शा देखें, एंटी भू माफिया पोर्टल पर घाटा संख्या 147 संबंधित शिकायत देखें, सार्वजनिक संपत्ति विवरण देखें, निष्क्रांत संपत्ति विवरण देखें, शत्रु संपत्ति विवरण देखें, राजकीय आस्थाना संपत्ति विवरण देखें। हमको सबसे ज़रूरी है कि हम अगर खेत क्रय कर रहे हैं तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या वो घाटा वादग्रस्त है या नहीं। फिर दूसरी चीज़ उसमें हम देखें कि क्या वह घाटा विक्रय हो गया है या नहीं हुआ है। नक्शा देखना चाहते हैं, मान लिया कभी कभी होता है कि लोग बेचते कहीं और हैं, दिखाते कहीं और हैं, तो नक्शा देख सकते हैं। एंटी भू माफिया पर उसका देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये ज़रूरी है कि ये तीन चीज़ ज़रूर देखें, ये तीन चीज़ ये देखें, ये और ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जरूर जानें, भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति जानें, भूखंड घाटे का भू नक्शा देखें। तो आइए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वादग्रस्त की स्थिति जाने पर क्लिक कर दें। क्लिक जैसे करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पर दो वाद खुल करके आ गया। लिखा प्रश्नगत भूखंड घाटे पर दर्ज वादों का विवरण, उपायुक्त स्टाम्प बस्ती, जिलाधिकारी बस्ती सिद्धार्थनगर, मंडल बस्ती है और सिद्धार्थनगर जनपद है, तहसील का नाम नहीं दिया, पुराना वार्ड संख्या दे रहा वहाँ और कंप्यूटरीकृत वार्ड संख्या दे रहा है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम और इसमें भी स्टाम्प अधिनियम धारा 56A और 47 का, वादी राम कमल, प्रतिवादी जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, इसमें भी राम कमल और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, पंजीकरण 2019 में हुआ, ये भी 2019 में हुआ, निस्तारण की तिथि हो गई 11/3/2021 और 21/10/2019, अभी निस्तारित हो गया है। इसका विवरण देखना चाहते हैं आप इसके बारे में तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद में ये आगे आपको दिखा दूँ, ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि राम कमल निवासी ग्राम क्षेत्रा पर तप्पा निकसौली प्रगना व तहसील नौगढ़ जनपद संत कबीरनगर बनाम जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, हाँ वाद की स्थिति यहाँ देख पा रहे होंगे कि निस्तारित है, वाद संख्या ये है, दाखिल करने की तिथि ये है, अधिनियम मतलब स्टाम्प चोरी का लगा रहा होगा तो ये है। अब ये देखें घाटा संख्या किस पर लगा, 147 पर, ये सारी चीज़ें इतने दिन चला है। अब आदेश क्या हुआ इसके बारे में जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आदेश देखें पर क्लिक कर दें। आदेश देखें पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ आ जाएगा एक पीडीएफ, इसको डाउनलोड कर लें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पर क्या क्या आदेश हुआ ये जानकारी यहाँ ले सकते हैं, ये जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा डिटेल में क्या क्या इस पर हुआ है। बैक कर लीजिए, बैक करके हम फिर से आ जाते हैं पुनः। अब लिखा विक्रय की स्थिति जाने, एक तो हो गया वाद की स्थिति आप जान जाएंगे वहाँ से, फिर विक्रय की स्थिति जाने, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर दिया विक्रय की स्थिति पर, अब इसमें ये दिखा देगा कि विक्रय की स्थिति में कि क्या बिका है, इसमें क्या नए बिका है। लिखा है कि क्रय विक्रय का विवरण उपलब्ध नहीं है, यानी इसमें बहुत पहले ही क्रय विक्रय हुआ जो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ये हो जाएगा। बैक कर लेते हैं, भू नक्शा देखना है इस घाटे का तो भू नक्शे पर यहाँ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन दिखाएगा नहीं, उम्मीद कम है, दिखाता नहीं है। बहरहाल चेक करना है तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं क्लिक कर दिया हूँ, अब भी क्लिक करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी सबसे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो सके, और एक कमेंट कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो, क्योंकि इसी पर मैं वर्क करता हूँ, आपके
पसंद पर। इस तरह से मैं आपको बताया कि भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति कैसे जाने, भूखंड घाटे के बिक्रय की स्थिति कैसे जाने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, साथ में अपने साथियों को भी, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले उन लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं।